नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं गांव आई हुई हूं, जो इस समय नगर पंचायत में गांव जोड़े गए हैं। तो इस गांव में एक साल नगर पंचायत में जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक का कोई विकास नहीं हुआ है। ना लोगों को शौचालय मिला है, ना आवास मिला है, ना सड़क बनी है, ना नाली बनी है। लोग बहुत ज्यादा समस्या से जूझते हैं। और इस समय जब जमुना जी के बाढ़ आती है तो लोगों के घर डूब जाते हैं, और घर कच्चे घर है तो घर गिर जाते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा समस्या से जूझते हैं। जब जमुना जी के बाढ़ होती है तो उस समय लैट्रिन के लिए बहुत दिक्कत होती है, कि लोग इधर उधर नाव से जाते हैं, नहीं उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो आइए, हम कुछ लोग हमारे पीछे हैं, इनसे बात करवाते हैं कि नगर जब गांव था तब क्या स्थिति थी, अब नगर पंचायत में जोड़ा गया तो इससे क्या फायदा है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करवाते हैं कि इससे क्या फायदा है और क्यों यहां अभी तक का लोगों को आवास नहीं मिला है। अब हो जाइए खड़े, बोलिए। क्या नाम है आपका? राम समारी। तो कब नगर पंचायत में जोड़ा गया है और उससे क्या फायदा है आप लोग को? तो कुछ नहीं फायदा है, वोट ले लेते हैं, कोई सुनाई नहीं है। न कॉलोनी भी, न बाथरूम है, न टट्टी मैदान का जेके नाव है, तो कोई भाई लेवा लेगा तो चलेगा, नहीं आज जेके तो वही हागे का तरसत है, तो हम हागे कहाँ से लेवा ले गई है। अपना नान बच्चे, ना नान लड़का, कोई साधन नहीं। हमारे घर गिरा थे, न कोई सुनाई है। कागज भरावे थे कॉलोनी का, उसको खा के बैठ जाते हैं साल दो साल से। कॉलोनी भरते भरते कौनो तरह लड़का बच्चन का नून रोटी खवा के दे थी, और हमारा कोई सुनाई नहीं। तो का करी साहेब, कोई हमारा लाभ ही गांव में नहीं है, सब समस्या है। तो जब बरसात होती है, जमुना जी के बाढ़ आती है, क्या स्थिति होती है? बहुत डोंगी से जेके है डोंगी, तो लेवा लेंगे तो हम वाला है, नहीं आ डोंगी तो वही परेशानी हो वाला है। सब पूरा इधर चौके, मतलब कहाँ डोंगी से आपको जाना होता, थोड़ा देर तो बताइए भैया। आधा जंगल ले, मतलब किस लिए जाती है? टट्टी के लिए, तिलौली मन कुमार के सिवारे में जा रहे, वह मुना दिया भर जाती है, तो कहाँ से जाए। तो शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला, न कोई सुधा नहीं आए भैया, क्या करी। कितना साल नगर पंचायत में जोड़े हो गया? दो साल से है। प्रधानी तो कितनी चल गई, कितनी है वो प्रधान, जब वोट लेने कोई सुनाई नहीं की, तो ये क्या करी है, यही माना है ना प्रधानी माँ से। तो नगर पंचायत में जोड़े से क्या फायदा हुई, क्या सोच रही है? नहीं ना जुड़े, अब वोट मांगे और गोल ले ले पड़ा थे, और जो ना भियान आज हमसे वोट ले लिए, भियान बिसर जाती है। क्या वादा करते हैं लोग के बारे में? क्या हमको वोट दे दे, तुमको कॉलोनी दवा देंगे, क्या कर देंगे, वह कर देंगे, टट्टी खुद्दी दवा देंगे, और वोट लेके सब साफ जाग जाते। कौन समस्या पर गांड बोलावा तो मेहरियन का कहीं बताओ ना, वो भगा देते हैं, कहीं को नहीं, कोई नहीं है, तो हम का करी, उनका मुहारत खेठाई, कोई सुनाई नहीं है। पैसा सुकरम कोई सुनाई, जे के कमहाय के बूथ से तो बनवा ली, जे के कमहाय नहीं है तो वो तो गड्ढम पड़े आए हैं। क्या क्या यहाँ वो है समस्या है, क्या क्या विकास नहीं हुआ अभी तक? तो न कॉलोनी है, न खुदी के, न बाथरूम के है, न गली का है, कोई सुनाई नहीं है। लड़का बच्चा न इतना काम ही तो भूल जाए। काम क्या करते हैं आप लोग? हम भैया मजूरी गा रहे, ईटा कर रहे हैं,
और न हमारे खेती है न बारी है। कितनी आबादी होगी यहाँ की, कितना घर होंगे टोटल? 300 से ऊपर है, कम नहीं है, ज्यादा है। तो किसी को मिला है आवास के? किसी को नहीं मिला आवास शौचालय? किसी का ना, दो चार लोग। हम पहले पानी, पहले 5 साल बाद पहले पानी, 15 साल प्रधानी में तो बड़े आदमी, जैसे हमारा कॉलोनी आई है तो बड़ा आदमी जो को उनका काम करते हैं तो हमारा कॉलोनी काट के उनका दे देते हैं, 10-10, 5-5 हजार रुपया घूस ले लेते हैं। बोल गए आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतुतला देवी। यहाँ बहन जी की यहाँ कोई विकास नहीं है, ना यहाँ तो खुद ही मिली है, ना किसी को कॉलोनी मिली है, ना किसी को शौचालय मिली है, किसी को नहीं। जो जो आया है तो बीच वाले खा डाले, किसी को मिला नहीं है। या जो जो बूढ़ा आता है तो टट्टी को पैसा को सबको तकलीफ मिलती है, तो डोंगी में बैठा के ले जाते हैं, जेके है तो ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं तो पैर के जाते, चाहे कोई बूढ़ जाए चाहे कोई बचे। और ये समस्या है आगे पैर के, जैसे को घर बना ली तो अपने कमाई से बनवाए, जो कोई कोई रोजगार आया या कोई विकास आया तो कहने के पक्का बनाए। अरे पक्का बना तो नॉन रोटी खा के बनवाए हैं, तुम वही गड़बड़ में घुसे रहो तो हम कहा करी। अब हमारा पक्का देख के तुम उधरे पड़त हो तो तुम अहू बनवा ले, और नहीं तो जो विकास आओ तो सरकार सबका दिया जाए, एक जन का कह दिया जाए, सबको वही मट्टी में रहते हो तो सबका मिला जाए। तो जब जमुना जी की बाढ़ आती है हाँ। तो फिर लोग नाव से लाइटिंग टट्टी जाते हैं, तो फिर उस समय मान लीजिए किसी का पेट खराब हो तो पेट खराब हो जाए तो चाहे जो कौ रहा बैठ जाओ पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मन से पानी में बैठ जाओ, बगल में तीर में कहाँ जाए, कोई नहीं जाएगा, पानी में बैठ जाते। तो इस समय नगर पंचायत में गाँव जोड़ा गया है, चुनाव हाँ। है, तो आप लोग क्या मांगे होगी, क्या कहना चाहे? हम मांगा कि यहाँ शौचालय दे आओ, कम से कम कुछ ना दे तो शौचालय जरूर दे, टट्टी मैदान का ये बाढ़ के बारे तक दे, सब कुछ देखा था, ये कुछ नहीं सुना, ये कुछ ना मिला ना मिली। वीडियो ना बनाओ बेटा, क्या करोगी मेरा वीडियो बनाओ? बोल देता, बोलो क्या नाम है? हाँ क्या बोली, वीडियो मेरा ना बनाओ। आप बोलिए, क्या नाम है आपका? अरे बोला को हम तो लगा नहीं दो हल। अरे बुआ बाद में बना लेना, मेरा वीडियो चाहिए तो अभी ना बनाओ। नमस्ते भैया, खास कुछ नहीं है भैया, कुछ गलत वीडियो मत निकालो, कोई खास नहीं, वो जो नगर पंचायत एक सेकंड लाइव चल रहा है बाद में बताते हैं आपको। यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं, लोगों को उसी तरह समस्या बनी है जब गांव था वही हाल था, अब नगर पंचायत में जोड़ा गया है एक साल से ये गांव, लेकिन अभी तक का यहां लोगों को आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है। तो जब जमुना जी के बाढ़ आती है तो उस समय लोगों को बहुत समस्या होती है लाइटिंग के लिए, कि वो अपना बोर्ड से बाहर जाते हैं, तो इस तरह की समस्या बनी हुई है। तो इस समय नगर पंचायत में ये गांव जोड़ा गया है, तो लोगों को उम्मीद है कि शायद अब विकास हो या ना हो, आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा हमारा भी लेके हम भी बता दें। ओके बता दीजिए भैया। देखिए नमस्कार भैया सब लोगों को, देखिए सेसा गांव है, यहाँ पे ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे रोड नाली तमाम तरह समस्याएं हैं, और यहाँ पे प्रशासन
हर तरह से गरीब जनता को परेशान कर रहा है। यहाँ पे आए दिन जिनके घर पे आदमी नहीं है, सिर्फ लेडीजे रहती हैं, उनके घर पे पुलिस आती है, सादे ड्रेस में लोग आते हैं, कहते हैं हम पुलिस हैं, उनके यहाँ बदतमीजी करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो थोड़ा मतलब इस विषय में थोड़ा प्रशासन जांच पड़ताल करके कुछ कार्रवाई करे, कहे से हमारे क्षेत्र की जनता जो है बहुत परेशान है। विकास के मुद्दे में थोड़ा सा बताइए भैया, जब मुद्दे पे ये बहुत पिछड़ा जब गांव था क्या हाल था, नगर पंचायत में जोड़ा गया क्या हाल है? अभी तक इस पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है मैडम जी। पहले जो कुछ भी था ठीक ही था, ग्राम पंचायत जब था तब भी इस पे कुछ नहीं विकास हो रहा था, और अभी जब से नगर पंचायत में हुआ है तब से कुछ भी काम नहीं हुआ। ये जो रोड वोड बन रही है बिल्कुल थर्ड क्लास की बन रही है, आपको हम नाप दिलवा दें, सिर्फ 2 इंच गिट्टी डाल रहे हैं इस पे, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। और ठेकेदार सब बड़े बड़े लोग हैं, सब फर्जी काम करवा रहे हैं। यहाँ पे अभी आप पिछली रोडें दिखवा दें, सब पटिया फूट गई जो नाली वगैरह में लगी हैं। यहाँ पे जो भी चल रहा है सब भ्रष्टाचार है बराबर इस सरकार पे। और बाकी मैडम जी आप जो कहें वैसे हम आपको बयान दें, और आप कोई मुद्दा हो तो और पूछ लीजिए। यहाँ वहाँ से जमीन की सीख नहीं मिली, अट्टा पट्टा नहीं मिला।